उन्होंने हमें ये कहकर धोखा दिया कि कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लागत बचाने के लिए हमने बीटी बीज चुना, लेकिन नतीजा क्या निकला? हम अब भी पहले की तरह कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नाम बदल कर बीटी हो गया है। किसान बायोटेक कंपनियों पर झूठे वादे करने का आरोप लगा रहे हैं। बोलगाड़ उगाने के बाद उपज अच्छी नहीं मिल रही है, अगली फसल भी बीमारियों से घिर जाती है, लाल हो जाती है। अगर ऐसा एक साल तक और जारी रहा तो 4 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। किसानों का आरोप है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी आनुवंशिक रूप से बदल दी गई फसलों से साल दर साल ली गई उपज कम होती जा रही है। गैर बीटी कपास वाले खेतों में चराई करने से हमारे मवेशियों का कभी नुकसान नहीं होता था। पिछले 2-3 साल से जब से हमने बीटी कपास उगानी शुरू की है, मवेशी मरते जा रहे हैं। किसानों का मानना है कि आनुवंशिक रूप से बदल दी गई फसलों के कारण उनके मवेशी मर रहे हैं। मैंने 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन किराए पर लेकर बीटी कपास की मोथी किस्म बोई थी। इस फसल पर मीली बग ने हमला कर दिया, इसलिए मैंने फसल को उखाड़ दिया। मेरे पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है। अगर फसल नाकाम रही तो मेरे बच्चों को तो गुड़ से बनी चाय भी नसीब नहीं होगी, इसलिए हताश होकर मैंने उसे उखाड़ दिया। चाचा अपनी मोटरसाइकिल हटाइए, मेरा बैल बेचैन हो रहा है। किसानों को इन फसलों से इसलिए भी जबरदस्त नाराजगी है कि मामूली कीड़े प्रधान कीड़े बनते जा रहे हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों के बड़े हिस्सों में बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि किसान बेहद दुखी हैं। एक और ऐसी तकनीक बुरी तरह नाकाम हो गई है जिसने किसानों के लिए चमत्कार करने का वायदा किया था। आनुवंशिक रूप से बदले हुए बीजों को लेकर जो जोश था वो अब गुस्से में बदल गया है क्योंकि अब किसानों के सामने कड़वी सच्चाई उजागर हो गई है। खेती के लिए प्रयोग होने वाली इस नई जीएम तकनीक का दिल है बीज, लेकिन वो भी कोई नई बात नहीं है। भारतीय किसान हजारों साल से बीजों को छांटकर उन्हें सुधारने और उनके प्रजनन की विधियां इस्तेमाल करते आए हैं। आनुवंशिक रूप से बदली हुई फसलों में अनोखी बात यह है कि इसमें एक अलग किस्म के जीन को पौधे में शामिल कराया जाता है। यह प्रक्रिया कुदरत में अपने आप कभी नहीं हो सकती। इस गैर कुदरती मेल ने एक विकट सामाजिक स्थिति को भी पैदा कर दिया है। किसान खुद बीज उगाता है, पर अब उसका रुतबा सिर्फ एक किसान और बीज इस्तेमाल करने वाले ग्राहक का रह गया है, जबकि कंपनियां बीजों के नए मालिकों की शक्ल में उभरी हैं, जिनका खेती से कोई लेना देना ही नहीं है। जब किसानों के कट्टर दुश्मन ही उनके मसीहा बनने का ढोंग कर रहे हैं तो किसानों के पास ये जानने के अलावा और कोई चारा नहीं है कि आखिर ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग है क्या। बस यही एक तरीका है जिसके जरिए दोस्तों और दुश्मनों में फर्क किया जा सकता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किसी ऐसी किस्म के खास लक्षण किसी फसल या जीव में दाखिल करा दिए जाते हैं जिससे उसका कोई सीधा संबंध नहीं होता। एक बार किसी लक्षण को पहचान लेने के बाद जीन को अलग कर लिया जाता है और किसी लैबोरेटरी में किसी बैक्टीरिया या जीन गन के इस्तेमाल से किसी दूसरी फसल या जानवर में दाखिल करा दिया जाता है। भारत में इस्तेमाल के लिए इजाजत पाने वाली ऐसी एकमात्र किस्म थी बीटी कपास। उसे भी इसी तरह विकसित किया गया था
मिट्टी में मौजूद बैसिलस थुरिंजाइंसिस यानी बीटी नामक बैक्टीरिया से विष पैदा करने वाला एक जीन लेकर उसे कपास के पौधे में दाखिल कराया गया ताकि ये अमेरिकन बॉलवर्म को मार सके। कपास उगाने वाले किसान इस कीड़े से बहुत डरते हैं। जाहिर है बॉलवर्म कीड़ों को खत्म करने के लिए जो किसान कीटनाशक खरीद खरीद कर दिवालिया हो रहे हैं वो इस कीड़े का मुकाबला करने वाले बीटी कपास बीज को ही पसंद करते। ये तो किसी सपने के सच होने जैसा था। अब क्योंकि आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बीजों को भारत की खेती के भविष्य के तौर पर पेश किया जा रहा है इसलिए किसान भी बीटी बीज खरीदने लगे। लेकिन बीटी कपास बीजों को लेकर चल रहा जोश ज्यादा दिन नहीं चल पाया। जैसा कि आमतौर पर होता है कीड़े वक्त के साथ साथ कीटनाशकों का मुकाबला करने लगते हैं। बॉलवर्म पर भी बीटी जीन्स का असर खत्म होने लगा। किसानों की हालत फिर पहले जैसी ही हो गई। ये अमरीकी बॉलवर्म अपने आखिरी चरण में है। ये फसल को बड़ी तेजी से खा रहा है। ये तो बीटी पर भी मर नहीं रहा है। बीटी पौधों में बड़े कीट इल्ली वाले चरण में ही मर रहे हैं, लेकिन जो कीड़े बच जाते हैं वो बड़े हो जाते हैं और ये बाद में फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आंध्र प्रदेश में बीटी कपास का निराशाजनक प्रदर्शन देखकर किसान बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए। किसानों ने आंध्र प्रदेश सरकार को मजबूर कर दिया कि वो माहिको मोनसांटो द्वारा विकसित की गई बीटी कपास की 3 किस्मों पर रोक लगा दी। नाराज किसानों के दबाव में आकर सरकार ने इस कंपनी से किसानों के नुकसान की भरपाई करने को कहा, पर कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया। सिर्फ वारंगल जिले में ही बीटी की वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। माहिको का बीटी बीज पूरी तरह नाकाम रहा है। हम ना तो कृषि विभाग जा सकते हैं और ना ही किसी और एजेंसी के पास जाकर इस संकट को सुलझा सकते हैं। आज हमारे राज्य में हर वर्ग हर जाति की समस्याओं का हल निकल चुका है, लेकिन बदकिस्मती से हम किसानों की समस्याओं का आज तक कोई हल नहीं निकल पाया है। तजुर्बे से किसानों को ये पता चल रहा है कि बॉलवर्म कीड़ा बीटी विष का भी मुकाबला करने लगा है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। अगर बीटी किस्में फसल को बॉलवर्म से बचा भी सकती हों, तब भी कपास पर हमला करने वाले और 165 कीड़े भी तो मौजूद हैं। 2 कंपनियां इस मुद्दे पर बातचीत करने से बचना चाहती हैं, जिसके नतीजे में किसानों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बीटी कॉटन के बीज 2002 में बिकने शुरू हुए थे, तब से छोटे मोटे कीड़े भी प्रधान कीड़े बन गए हैं। इतना ही नहीं, नए नए कीड़े और बीमारियां भी फसल पर हमला कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में बीटी कपास की फसल पर तंबाकू के कीड़े और तंबाकू के ही एक वायरस ने हमला किया जो थ्रिप से फैलता है। इन कीड़ों के भयानक रूप से पनपने की बात तो आंध्र प्रदेश सरकार ने भी मानी है। हमारी चिंता की सिर्फ एक वजह यह है कि हम इन कीटों को किस तरह से रोकें। इन कीटों में बीटी जहर का सामना करने की ताकत आ गई है, इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे कि छोटे मोटे कीड़े अब प्रधान बनते जा रहे हैं। जो कीट कभी अब प्रधान माने जाते थे वो भी बढ़ रहे हैं, तो हमें लगातार निगरानी रखनी पड़ रही है। हम बड़े मुश्किल मोड़ पर हैं। छोटे कीड़ों के प्रधान कीट बन जाने की चेतावनी की गूंज तो पंजाब में भी सुनाई पड़ रही है। ये एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में बायोटेक इंडस्ट्री का कहना है कि यहाँ बीटी कपास बेहद कामयाब रही है। बेशक बीटी कपास ने बॉलवर्म को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा में कमी ला दी हो, लेकिन अब कपास की फसल के बड़े इलाकों में मीली बग तबाही मचा रहे हैं, जैसे भटिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर।
मेरे गांव का नाम है रायके कलां। मैंने 2.5 एकड़ जमीन पर बीटी बोया था, इसमें मिली बग लग गया, इसलिए मैंने इसे उखाड़ कर इसकी जगह धान बो दिया। हमने 1-2 बार स्प्रे भी किया, कीड़े कुछ वक्त तक तो नियंत्रित रहे, लेकिन फिर बड़े जोर से पनपे। परेशान होकर मैंने कपास उखाड़ दी और धान बो दिया। मैंने कपास की देखरेख काफी अच्छे ढंग से की थी, ये उगी भी अच्छी थी, लेकिन क्योंकि मैंने 16,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन किराए पर ली थी, इसलिए मुझे चिंता हो गई, इसलिए मैंने कपास की फसल उखाड़ दी। मेरी धान की पौध तैयार थी, इसलिए मैं उसे उगा सकता था, लेकिन जिनके पास पौध तैयार ना हो और उन्होंने जमीन किराए पर ली हो, वो क्या करेंगे? मेरी कपास की फसल घुटनों तक ऊंची हो गई थी, लेकिन हमें इसे उखाड़कर धान बोना पड़ा। कपास की बर्बाद हो चुकी फसल को देखकर हमारा दिल रो दिया। हम अपने बच्चों को एक पौधा तक नहीं उखाड़ने देते हैं, उनकी पिटाई कर देते हैं, लेकिन हमें अपनी पूरी फसल उखाड़नी पड़ी। हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। ये हुआ है जी हमारे साथ। किसानों से बीटी कपास के बारे में बढ़ चढ़ कर वायदे किए गए थे, मगर अब भांडा फूट चुका है। अब उन्हें इस बात से और हताशा है कि ये नुकसान सिर्फ कपास की फसल तक ही सीमित नहीं है। बीटी कपास की फसल लेने के बाद दूसरी फसलों को भी नुकसान हो रहा है। ये भी एक ऐसी बात है जिसे बीज कंपनियां कभी नहीं मानती। मैं पिछले 3 साल से बीटी उगा रहा हूँ। बीटी में ज्यादा खाद, यूरिया और डीएपी की जरूरत पड़ती है। इतनी ज्यादा जरूरत तो हमारी देसी किस्मों को भी नहीं पड़ती। इसे पानी भी ज्यादा चाहिए, जबकि हमारी देसी किस्मों को कम पानी चाहिए। इतना ही नहीं, कपास के बाद गेहूं की जो फसलें उगाई जाती हैं, उनकी उपज हर साल घटती ही जा रही है। पहले हर एकड़ में 18 क्विंटल उपज मिल जाती थी, लेकिन पिछले 2 साल में ये गिरकर 16 क्विंटल हो गई है और इस साल तो ये सिर्फ 12 क्विंटल रही है। जब से हमने बीटी कपास उगानी शुरू की है, इससे तो हमें थोड़ी बहुत कमाई हुई है, पर हमारी गेहूं की पैदावार काफी घट रही है। उपज को बढ़ाने के लिए हमने डीएपी और यूरिया की मात्रा बढ़ा दी, पर फिर भी उपज बढ़ नहीं पाई। जमीन में पीएच लेवल बढ़ने लगा, इसलिए हम काफी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में खेती करने के अलावा मवेशी पालना भी एक बेहद पुरानी रवायत रही है। उपज ठीक से न मिलने और आमदनी घटने के कारण गांव के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मवेशियों पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन जीएम फसलों के कारण इस रिश्ते को भी खतरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बीटी कपास के खेतों में चरने के बाद हजारों भेड़ बकरियां या तो बीमार हो गईं या मर गईं। ऐसा सिर्फ इसी साल हुआ। हमें बताया गया कि ऐसा मवेशियों को बोलगार्ड कपास वाले खेतों में चराने की वजह से हुआ। यहाँ तक कि मवेशियों के डॉक्टर का भी यही कहना था। उन्होंने हमसे कहा कि हम मवेशियों को कपास के खेतों में ना चराएं। उन्होंने कहा कि मवेशी गैर बीटी कपास वाले खेतों में ही चराएं और उनकी हिफाजत करें। आप अपने मवेशी को पोस्टमार्टम के लिए क्यों ले गए? देखिए, मुझे डॉक्टर ने कहा था। पर मुझे ये बताइए कि आप इस अस्पताल आए ही क्यों? मैं अपने मवेशी को यहाँ इलाज के लिए लाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाऊं। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ये कपास के खेत में चरने की वजह से मरा है। उसे और कोई रोग नहीं था, बस उसने बीटी कपास के खेत में चराई की और वो मर गया। डॉक्टर ने यही कहा कि हम मवेशियों को बीटी कपास के खेतों में ना चराएं। हमने उनसे पूछा कि फिर आखिर हम उन्हें चराएं कहां? डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम अपने मवेशियों को जिंदा रखना चाहते हो तो उन्हें बीटी कपास के खेतों में मत चरने देना। इन मौतों से आंध्र प्रदेश के राज्य मवेशी विभाग के कान खड़े हो गए और उसे हस्तक्षेप करना पड़ा।
बीज बनाने वालों ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं, उन्होंने कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया है, तो इसमें ज्यादातर बीज और खल की ही बात है। लेकिन हमारे किसानों की समस्या ये है कि मवेशी इन बीजों या खल को खाकर नहीं मरे हैं, वो तो उपज के बाद बचे पौधों को खाकर मरे हैं। वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा कि इसके लिए पूरी शोध होनी चाहिए। अगर वो पौधा जहरीला है तो मवेशियों का क्या होगा? अगर मवेशी मरते हैं तो क्या कारण हो सकता है? इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हमने अपने लोगों से किसानों को ये बताने के लिए कहा है कि जब तक कारणों का पता नहीं चल जाता है, तब तक मवेशियों को इन खेतों में ना जाने दिया जाए। ये बात साफ होती गई कि ये मवेशी बीटी कपास खाकर ही मरे थे। ऐसे में इंसानों पर होने वाले इसके असर को लेकर चिंता पैदा हो गई। कपास को इंसान सीधे तौर पर खाते नहीं हैं, इसलिए बायोटेक कंपनियों का तर्क है कि इससे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कपास से कपड़े तो बनते हैं, खाना कपास के तेल में पकाया जाता है। लोग जो दूध पीते हैं वो उन मवेशियों का होता है जो बीटी कपास के पौधे या उसकी खल खाते हैं। लेकिन बायोटेक कंपनियों ने इन सब बातों की तरफ से आंखें मूंद रखी हैं। जो किसान बीटी कपास की खेती कर रहे हैं उनके बारे में पूरे देश से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि इससे एलर्जी हो रही है, और ऐसी ही आशंका भी थी। पहली बार जब हमने बीटी कपास उगाया तो हमें कोई समस्या नहीं हुई। कपास तोड़ने के लिए कामगार अलवर राजस्थान से आए थे। जब अगले साल वही लोग दोबारा आए तो कपास तोड़ने के बाद उनके शरीर पर चकत्ते हो गए, उन्हें खुजली होने लगी। पहले दो को ये मुश्किल हुई, फिर चार को, और फिर ये मुश्किल बढ़ती चली गई। जब हमने उन्हें ध्यान से देखा तो उनका सारा शरीर लाल था और उनके सारे शरीर पर फुंसियां हो गई थीं। अभी देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं और कॉटन के एक्सपीरियंसेस हमारे सामने। कॉटन में जो पिछले 5 बरस से इस देश में कॉटन का एक बड़ा भारी प्रचार किया गया था, तब भी हमने इसका शुरू में विरोध किया था, और उसको हमने किसानों को भी कहा था, हमने सरकार को भी अनेक बार चेताया था कि ये बीज ना किसान के हित में है, ना यहाँ के इंसान के हित में, ना यहाँ के वातावरण के हित में। सरकार उस बात को, सरकार ने तो ध्यान दिया ही नहीं, लोगों ने भी, किसानों ने भी उस प्रचार में आके उसको अपनाया, और आज उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। किसानों में उसकी वजह से अनेक तरह की बीमारियाँ, एलर्जी उसकी वजह से आई हैं। पशु हमारे उसके पत्तियाँ खाने की वजह से मरे हैं। उसका जो टोटल जो ह्यूमन लाइफ पे उसका असर आपको थोड़े दिन के बाद देखने में मिलेगा। उसमें जो दावा ये कंपनियां कर रही थी कि इस पे कीड़ा नहीं आएगा, आज इस साल वो बिल्कुल वो हो गया। उसमें नई नई किस्म के दूसरे जो कीड़े हैं उस फसल पे आए हैं, और उनका नतीजा जो वो दावा कर रहे थे कि इस पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, किसान को पेस्टिसाइड डालना पड़ा इस साल उस पे, और ये निश्चित है कि अगले साल उस पे कीड़े और ज़्यादा होंगे, दवा का खर्च वहीं बढ़ेगा। किसान जिस झांसे में फंसा था कि ये फसल बिना दवा के होगी, आज वो बीज भी महंगा खरीद रहा है, और बीज के साथ साथ वो दवाई जो पहले डाल रहा था वो दवाई भी उस पर डाल रहा, उसकी लागत बढ़ी है। तो ये तो एक फसल के साथ हुआ है, जितनी फसलें आएंगी हमारा ये मानना है तमाम के साथ यही होने वाला है। इससे दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, भला बायोटेक कंपनियों को जीएम बीज विकसित करने और बेचने की इजाजत ही क्यों दी गई, जबकि ये तकनीक गैर भरोसेमंद और खतरनाक है। क्या ऐसी कोई नियंत्रण प्रणाली नहीं है जो इन कंपनियों को इनके बीजों के लिए जिम्मेदार ठहरा पाती? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी और रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन नामक दो संस्थाएं हैं जो ऐसी बातों का ध्यान रखती हैं।
लेकिन अभी तक के इनके प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये किसानों की कीमत पर बायोटेक कंपनियों के हितों को बचा रही हैं। आरसीजीएम एक ऐसे विभाग में है जो बायोटेक फसलों के विकास को खुलकर पैसा देता है, इसलिए ये बात साफ नहीं है कि वो बायोटेक फसलों के प्रयोगों और स्वीकृति को किस तरह नियंत्रित कर पाएगा। कि हम पिछले महीने प्रधानमंत्री जी से मिले थे और हमने प्रधानमंत्री जी को ये कहा कि ये जो जेनेटिक फार्मिंग को आप पुश कर रहे हैं, किसानों को उसकी तरफ दिखा रहे हैं, वो एक ऐसी तकनीकी है जिसके बारे में अभी दुनिया में बहस है। कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता कि ये जो तकनीकी है ये इंसान के लिए, ये वातावरण के लिए, ये ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए फ़ायदेमंद है। आज तक कोई रिसर्च रिपोर्ट ऐसी नहीं है। कुछ रिपोर्ट हैं तो वो उन्हीं की हैं जिन कंपनियों ने इनको बनाया। हिंदुस्तान सरकार ने अपने यहाँ इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इस पर कोई चेक नहीं है, कोई इस पर रिसर्च नहीं हुई। चोर को ही चौकीदार का काम दे दिया गया, उन्हीं कंपनियों को कह दिया गया कि आप लोग ही इसे वाच करेंगे, इसका कोई नुकसान तो नहीं होता। तो कभी आज तक ऐसा हुआ है कि चोर किसी मकान की रखवाली करके उसको प्रोटेक्ट करेगा? वो चोरी करने आया, उसका काम चोरी का, वो चोरी करके ले जाएगा। हमने प्रधानमंत्री जी को बताया कि इस देश को बचाओ, इस देश के किसान को बचाओ आप। ये बात सही लग रही है। नियंत्रण में इस ढील की वजह से बीटी भिंडी और बीटी बैंगन के खेतों में प्रयोग के सिलसिले में बायो सुरक्षा का उल्लंघन हो रहा है। जिन किसानों के खेतों में ऐसे प्रयोग चल रहे हैं, उन्हें कंपनियों ने बीजों की प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। चेतावनी की अनदेखी करते हुए खाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ये फसलें कारोबारी स्तर पर उगाए जाने के लिए तैयार हैं। क्या आपने ये भिंडी बोई है? नहीं, कंपनी वाले यहाँ आए, उन्होंने इसे बोया है। कौन सी कंपनी? माही को। लेकिन वो कौन से शहर से आई ये हमें नहीं मालूम, शायद हैदराबाद से। कभी वो जालना का नाम लेते हैं तो कभी किसी और का। उन्होंने बताया कि वो बहुत दूर से आए हैं। क्या आपने कभी इसे खाया है? हाँ, हम इसे खा रहे हैं। शुरू में उन्होंने बताया था कि ये खाने के लिए नहीं है, हमें इसे खेत पर ही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हम इसे खा रहे हैं और वो भी यहाँ से उपज ले जा रहे हैं। अब हमें ये पता नहीं है कि वो अफसर भी इसे खा रहे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ आने वाला उनका असिस्टेंट इसे ले जाता है, वो इसे पास के बाजार में बेच रहा है। जीएम फसलों के परीक्षण संबंधी नियमों में ये साफ है कि ये परीक्षण खत्म होने के बाद पूरी फसल को खेत में ही नष्ट करना होगा। लेकिन कंपनी ने लापरवाही बरतते हुए इस उपज से आहार श्रृंखला को दूषित होने दिया है। बीटी धान और बीटी बैंगन के मामले में भी ऐसे ही सम्मिश्रण की तरफ से नियंत्रकों ने आंखें मूंद ली हैं। केंद्र सरकार ने तो जीएम फसलों के विकास और उनके बीज जारी करने के सिलसिले में हुई धांधलियों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। मैं आनुवंशिक रूप से बदले हुए बीजों के बारे में बात कर रहा हूं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण लकवा, कैंसर, किडनी और दिल की बीमारियों के मामले बढ़े हैं। ये जहरीले रसायन हमारे शरीरों में दाखिल हो गए हैं। इन्होंने हमारे भोजन के कुदरतीपन को भी प्रभावित किया है। तो जब हम आनुवंशिक बदलाव लाते हैं तो उससे बीज के भीतर रसायन पैदा हो जाते हैं और ये और भी खतरनाक साबित होगा। तो जब तक इस मामले में सारे शक दूर नहीं हो जाते हैं, मैं अपने राज्य में जीएम फसलों की इजाजत कभी नहीं दूंगा। ऐसा करना लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होगा और ये मैं नहीं होने दूंगा। केरल सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार को पत्र लिखकर केरल और पश्चिमी घाटों की अनोखी जैव विविधता के बारे में बताया है। हमने अनुरोध किया है
कि इस जगह को जीएम फसलों की प्रयोगशाला ना बनने दिया जाए। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस इलाके को जीएम फ्री जोन घोषित कर दे। जो किसानों से टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा। और ये किसान यूनियन जिंदाबाद। जो किसानों से टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा। जीएम फसलों के घातक नतीजों के बाद कुछ राज्य सरकारों की नींद खुली जरूर है, पर पूरे देश में किसानों के आंदोलनों ने भविष्य की पीढ़ियों को बायोटेक कंपनियों के लालच से बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। भारतीय किसान यूनियन ने करनाल हरियाणा में बीटी धान के एक परीक्षण को देखा तो उसे वहां कई उल्लंघन दिखाई पड़े। जीईएसी नियमों के मुताबिक बीटी धान की उपज को किसानों ने जला दिया। जो किसानों से टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा। जो किसानों से आज जो यहां पे ये प्रोग्राम किया गया है, इस जो इन्होंने बीटी इसका बीटी धान का जो बीज तैयार किया है, इसको जलाने का जो प्रोग्राम किया गया है, वो हमारा एक रोष प्रदर्शन है, क्योंकि सरकार का एक षड्यंत्र है, कंपनियों का षड्यंत्र है कि हमारे बीज खत्म करके अपने फिर महंगे बीज हमें देंगे, और ऐसे ही ये हमारे धान के बीज में, ऐसे ही हमारे सब्जियों के बीज में करने वाले हैं। और हरियाणा में जहाँ भी ये ऐसे ट्रायल करेंगे, हम उनको वहीं पर तबाह करेंगे, वहीं पर इनको जलाएंगे। हमारे किसानों को यह समझना है कि बीटी जीन का उत्पादन या बीटी कपास का उत्पादन बीटी जीन की वजह से नहीं है। बीटी कपास का ज़्यादा उत्पादन या किसी भी बीटी फसल का ज़्यादा उत्पादन उसके जो संकर जाति का नस्ल जो इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ये बीटी जीन डाला गया है, उसके वजह से है। तो अगर हमें वही उत्पादन चाहिए तो बिना बीटी वाला अगर हम नस्ल ले लें और उसे हम उगाएँ तो उतना ही हमें पैदावार मिलेगा। वहनीय खेती का कोई विकल्प बनाना किसानों के विरोध आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा है। कई किसानों और सामाजिक संगठनों ने भारतीय कृषि में पैदा हो गए इस मौजूदा संकट को हल करने का कोई रास्ता ढूंढने की ठान ली है। ऐसी ही एक कोशिश है जीएम फसलों का पूरी तरह बहिष्कार कर देना। पूरे देश के 2000 गांवों के किसानों ने ये कसम खाई है कि वो जीएम बीजों का इस्तेमाल न करके पर्यावरण के लिए लाभकारी टिकाऊ खेती विधियां ही अपनाएंगे। पंजाब के हरतेज सिंह एक ऐसे ही किसान हैं। यहाँ किसान ज्यादातर कपास उगाते हैं। हम लोग 20 बार यहाँ तक कि 30 बार तक कीटनाशक छिड़का करते थे। कई बार हमने स्प्रे रात में तो कई बार सुबह सुबह भी किया है, लालटेन की रोशनी में किया है, लेकिन उसके बावजूद फसलें नाकाम रही। फिर हमने अपने 5.5 एकड़ के कपास के खेत पर तजर्बा किया। 3 बार स्प्रे करने के बाद भी जब कोई डोडे नहीं लगे तो मैंने कृषि विभाग से संपर्क किया। मेरे खेत का मुआयना करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी फसल तो बर्बाद हो चुकी थी। इसके बाद हमारे मिले जुले परिवार ने अपनी कुल 24 एकड़ जमीन पर कपास की फसल पर कोई भी कीटनाशक या रसायन इस्तेमाल ना करने का फैसला किया। ये तो एक पालतू का खर्च है, इससे बचा भी जा सकता है। अगर हम स्प्रे ना करें तो कम से कम इन खर्चों से तो बच ही सकते हैं। इसीलिए करीब 5 साल पहले मैंने जैविक खेती शुरू की। मैंने शुरुआत बल्ब लगाकर की, ट्रैप्स लगाए, फिर मेरा संपर्क खेती विरासत मिशन से हुआ। मैंने अखबारों में जैविक खेती के बारे में भी पढ़ा था। मैंने खेती विरासत मिशन के कैंपों में हिस्सा लिया। मैंने ये तय कर लिया कि मैं बाजार से कुछ नहीं खरीदूंगा। मैंने अपने बीज खुद तैयार करने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी खाद, अपने कीटनाशक खुद बनाने की सोची। मैंने सोचा मैं अपनी चीज बाजार में बेचूंगा जरूर, पर बाजार से खरीदूंगा कुछ भी नहीं।
केरल सरकार जैविक खेती को अपनी एक प्रमुख नीति बनाने पर विचार कर रही है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद केरल की 100 पंचायतों को जैविक पंचायत घोषित कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया चल रही है। इडुक्की जिले में एक पंचायत को पहले ही जैविक पंचायत घोषित किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश में 2000 से अधिक गांवों के 2.5 लाख किसान खुद बीजों को जमा करके बिना कीटनाशक गुणों वाले बीजों की बुआई करते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इसे अतिरिक्त केंद्रीय आर्थिक सहायता दी जाएगी। वारंगल जिले में एनाबावी ऐसा ही एक गांव है, जहां पर्यावरण अनुकूल खेती के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके किसान सघन खेती के असर को खत्म कर पाए हैं। एनाबावी ने खुद को औपचारिक रूप से जीएम से आजाद गांव घोषित किया है। यहां कोई भी कीटनाशक या रसायन का इस्तेमाल नहीं करता। हमने बिना रासायनिक खाद के ही तिल उगाई है। इसके लिए 30 ट्रैक्टर बोगी भरकर तालाब से मिट्टी खेत में डाली गई। इसमें गाय के गोबर की खाद भी मिलाई गई। इसके बाद हमने बीज बो दिए, बस इतना ही काफी रहा। तो फिर भला हम फर्टिलाइजर क्यों खरीदें? पिछले मौसम में मैंने 3 एकड़ में धान उगाया था, लेकिन ओलों की वजह से ये बर्बाद हो गया। अब हमने क्योंकि अपनी खाद बनाई थी, इसलिए लागत कम रही थी, तो हमें ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर हमने स्थानीय साहूकार से पैसा उधार लिया होता तो मुझे इस नुकसान से दिल का दौरा ही पड़ जाता। लेकिन क्योंकि हमने बहुत कम पैसा खर्च किया था, इसलिए फसल बर्बाद हो जाने के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने सोचा इस साल ना सही, हम अगले साल अच्छी फसल हासिल कर लेंगे। किसान भाइयों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, केवल सरकार पे निर्भर ना रहे, क्योंकि सरकार का रुख स्पष्ट है। सरकार जो है किसान को टोटल इग्नोर करके, सरकार पूर्ण तौर पे समर्पित है, उन कंपनियों के सामने समर्पण कर रखा। तो किसान भी इस पे ध्यान दें और अपने आप को बचाएं इस कॉन्स्पिरेसी से। अपने बीजों को बचाएं, अपने बीजों को सहेज के रखें, अपने बीजों का पुनः इस्तेमाल करें। कोई भी इस तरह की कोई बीज जो किसी कंपनी के माध्यम से बेचा जा रहा, उस भ्रामक प्रचार से बचें, अपनी केमिकल फार्मिंग से बचें। ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से ही हम इस सारी चीज़ों से, इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, और वो एक अच्छा विकल्प है। जितना इनपुट घटेगा, जितनी लागत खेती में घटेगी, उतना मुनाफा बढ़ेगा। आज जो लागत बढ़ी है वो इसीलिए बढ़ी है कि हमने महंगे बीज और महंगे खाद, महंगी दवाइयाँ खरीद खरीद के सारा हम डिपेंड हो गए उनके ऊपर। इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। पुनः हमको अपनी उसी पद्धति को अपना के, अपने बीजों को अपना के, अपनी ही उस पुरातन पद्धति को उन्नत करने की दिशा में प्रयास करने होंगे, तभी हम इस सब इस कॉन्स्पिरेसी से बच पाएंगे, अन्यथा किसान का जो भविष्य है वो अंधकार में है। अपने खेतों में आ रहे नित नए संकट के समाधान के लिए हजारों किसान अब फिर से प्रकृति का सहारा ले रहे हैं। वो बायोटेक कंपनियों के झूठे वायदों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इससे उन्होंने अपनी जिंदगियों और अपनी जमीनों को बर्बाद होने से बचा लिया है। वक्त आ गया है जब किसानों को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो अपने खेतों में क्या बो रहे हैं, क्योंकि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे।